हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साई श्रद्धा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपण मानक जो जेई एंड एटीओ प्रीलिम एग्जामिनेशन ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ कंबाइंड टेक्निकल रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन रो एडमिशन लेटर पर नोटिस आसी सारी। आपण मैंने समस्ते ओएसीसी रो पोर्टल को जानतो। ओएसीसी रो पोर्टल रे आपण मानको एडमिट कार्ड लिंक आसी जितबो। आज 25 मे 2023 रे डाउनलोड द एडमिशन लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ कंबाइंड टेक्निकल सर्विस रिक्रुटमेंट रो एग्जामिनेशन रो ऑलरेडी आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे, निजर यूजर नेम पासवर्ड देवे। पासवर्ड दे सारापर आप पोर्टाल खोली, पोर्टाल खोली सारापर आप निजे निजर एडमिट कार्ड डाउनलोड करदे। जो मैंने चैनल न्यू चैनल को सब्सक्राइब करदे, सब्सक्राइब जो बेल आइकन अच्छे क्लिक करदे। अपकमिंग वीडियो जहाँ भी आसो रिलेटेड तो ओसीसी ट्रिपल एससी एंड ओपीसी एग्जामिनेशन आपको नोटिस मिल जाए। ठीक अच्छे, तो मेन हूँ आपण मान 4/6/2023 एग्जाम अच्छी, तो आज को मिसाइल आपरे 10 डेज रहा। 10 डेज भितर आपन को निजक प्रिपेरेसन करने पड़ो। प्रथम आप निजे निजर एग्जाम सेंटर चेक कर दिंतु, तो आपणकर निजर होम प्लेस रु केते डिस्टेंस अच्छे से हिसाब से प्लान कर दिंतु। सबुठ बड़ जिन हूँ बड़ बड़ कथा हूँ स्ट्रेस रुह ना, स्ट्रेस निना नर्माली कोली रुह। 5 to 6 hour रेस्ट कम्प्लीट रेस्ट निला। ता सहित भी तुम जी रिविजन करता जो मैंने भी जॉब करुच जॉब होल्डर गुड़िक तुम्हें मैंने कौन कर टी लीव नहीं जाओ, छुट्टी नहीं जाओ, कारण ये 10 डेज बहुत क्रुशियल टाइम तुम्हें। ये 10 डेज रे ही बहुत गुड जिनस तुम चाहिए तुम रिविजन करके 10 मार्क जीक रखा कथा 10+ मार्क अधिक रखिपर। जी तुम 10+ रखुच भी तुम स्कोरटा मानने रैंकटा बहुत आगे भी पल। समस्ते जाच कि आमर 1225 पोस्ट जे एंड ईटीओ रो 1008 ये हूँ 217 5 टाइम्स पिला सिलेक्टेड हे। तो 5,040 पिला जी जेई रु ईटीओ रु जी के 1,050 पिला सिलेक्शन है। तो सबुठ बड़ जिनस ओएमआर मोड रे एग्जाम हम ओएमआर मोड रे आपन को सर्कल बनवाप जहाँ भी 5 to 10 मिनिट्स यूज हो। तो 150 मिनिट आप आवेलेबल थे से 20 मिनिट्स काढ़ी दिंतु। 5-10 मिनिट राउंड बुलेबे, पुणी सिग्नेचर अच्छी नोएम अच्छी 15 मिनिट्स पाखापाखि काटि दिंतु। आपण पाखे 130-135 मिनिट भितर क्वेश्चन सॉल्व करिवार अच्छे। ओके, तो फास्ट कौन करिवे ना, प्रथम आपण मैंने कौन करिवे ना ट्राए करिवे कि जो क्वेश्चन गुड़ाक इजी, जो क्वेश्चन गुड़ाक इजी क्वेश्चन गुड़ाक इजी जो क्वेश्चन गुड़ाक आसुचि इजी क्वेश्चन एरिथमेटिक रे भी इजी रहइबो, डीआई रे भी इजी रहइबो, रीजनिंग रे भी इजी रहइबो। ए मैथमेटिकल जो 111टा क्वेश्चन आसिबो इजी रहइबो, सेतुर देखिबे एरिथमेटिक निश्चय 20-25टा क्वेश्चन इजी थिबो। डीआई रे निश्चय पाखापाखि 3टा टेबुल कि ग्राफ कि कौन गोटे 15टा क्वेश्चन पाखे इजी थिबो। रीजन रे पाखापाखि 20टा क्वेश्चन इजी थिबो। ओके, ए जो आसिला 60टा क्वेश्चन, ए 60टा क्वेश्चन फास्ट तुम्हें कौन कर सल्व करके निज पकेट रखिबो ए क्वेश्चन टाक। तापर जाके जिते सब काल्कुलेटिव पार्ट कन्सेप्टुआल का से क्वेश्चन गुड़ाक पुणी कर लास्ट तुम यदि लास्ट कौन कर करेन्ट अफेयर कंप्यूटर करेन्ट अफेयर कंप्यूटर जदि जाच कर न जानले ग्रे मैंने कौन कर कौन मानने कौन ये मार ना जी जाको अप्सन मार ना जी जाच मार जी जाच मार। ओके, तो से हिसाब से प्लां कर। ओके, तो फास्ट तुम इजी इजी क्वेश्चन के करदे तुम कन्फिडेन्स लेवल गोटे पलि आसपर तुम मेन काल्कुलेटिव पार्ट क्वेश्चन सल्व कले भी इजिली हो। ओके, तो देखी नब एडमिट कार्ड के सबुठ बड़ कथा हूँ कौन ना एबे जो रिसेंटली सीजीएल रे एग्जाम है ओएसएससी रो सीजीएल एग्जाम होती 2023 रे ओएमआर मोड रे है। ओके, आउ गोटे कौन एग्जाम होती ना अकाउंटेंट रे भी एग्जाम होता, अकाउंटेंट रे भी एग्जाम होता ओएसएससी रे एबे रिसेंटली। आउ गोटे कौन है ना स्टेनो रे भी होता। ओके, आउ कौन होता ना तापर बीएसएस रे भी गोटे एग्जाम होता। आउ गोटे कौन ना सीजीएल 2021-22 रे भी होता, 21-22 रे भी होता। स्पेशल ये जो 5-6टा का पेपर पूरा डिटेल रे सॉल्व कर देकी जीवो। ईच क्वेश्चन को गोटे क्वेश्चन छाड़बनी ना कंप्यूटर छाड़ब ना करेन्ट अफेयर छाड़ब ना मैथमेटिक्स ना एरिथमेटिक रिजन कौन से क्वेश्चन छाड़बनी डिटेल सबुद कर देकी जीवो। ओके, सहित भी तुम रिविजन करदेव तुम रिविजन जहाँ जहाँ पढ़ चो एरिथमेटिक रमी कही एरिथमेटिक नोट बनवाप जो मैंने आम साइंस ऑफ द एजुकेशन आप्लिकेसन जो पे क्लास करुच। ओके, जमी नोट कही जहाँ जहाँ कहते हैं सब जिन कर ये क्वेश्चन गुड़ आटलिस्ट 2-3 टाइम्स रिविजन कर दे कि स्पेशली आम अलरेडी कौन करे आम साइंस ऑफ द एजुकेशन आप्रे भी अलरेडी ये जो 2000 बैच अच्छी ये 2000 बैच रे आम कौन करे ना सीजीएल जो एवं गला 21-2023 सीजीएल बैच रा स्टेनो
ଆଉ ଆମର କେଉଁଟା ଷ୍ଟେନୋ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା ଅଦର ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓନ୍ଲି ରିଭିଜନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆର PDF ନୋଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, PDF ନୋଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ନୋଟ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବେ, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଟକିଲେ ତା'ର ଲାଇଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ, ତା'ର ଲାଇଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ, ତା ସହିତ ହୋମୱାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ଓନ୍ଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଓନ୍ଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଅଲରେଡ଼ି ଏଥିରେ ଆମର କେତେ 52 କ୍ଲାସେସ୍ ସରିଲାଣି, 52 କ୍ଲାସେସ୍ ସରିଲାଣି, ହୋପ୍ ଅବିଲ ଆଉ 20+ କ୍ଲାସେସ୍ ହେବ ଏଇ 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ବି। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ 1000 ବ୍ୟାଚ୍ ସ୍ପେଶାଲି, ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଇ 5ଟା ଟପିକ୍ ଅଛି, ଏରିଥମେଟିକ୍, ରିଜୋନିଂ, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, 5ଟା ଟପିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ। ଓକେ, କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ 1000 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ନା BSS ର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ CGL 21-22 ଯେବେ ହେଇଥିଲା ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସଲ୍ଭ ହେଇଛି। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଏରିଥମେଟିକ୍, ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ରିଜୋନିଂ, ଇଏ ପାଖାପାଖି 60+ କ୍ଲାସେସ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ବି ଏଥିରେ ପରମୁଟେସନ୍, କମ୍ବିନେସନ୍, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଥିଓରି ଅଛି, ଆଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସର ବି ଥିଓରି ଅଛି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସର ବି ଥିଓରି ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏନରୋଲ୍ କରିକି ନେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ରିଭିଜନ୍ କରିବା, ରିଭିଜନ୍ କରିବେ। ଓନ୍ଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଥିଓରି ପଢ଼ି ସାରିଛ, ଯେଉଁମାନେ ଓନ୍ଲି ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁମାନେ କରିସାରିଛି ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ କରିବ। ଓକେ, ଅଲରେଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲରେଡ଼ି 12+2 12 ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଅଛି, ଏ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ, କେତେ କ'ଣ ସ୍କୋର ହେଉଛି ଦେଖିପାରିବ। ଏ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଓକେ, ତ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ଦେଇକି ତୁମେ ନିଜ ନିଜର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିପାରିବ, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିପାରିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରୁହ ନାହିଁ, ଟେନସନ୍ରେ ରୁହ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯାହା ପଢ଼ିଦେଇଛ, ଯାହା ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଇଛ ଦେଇଦେଇଛ, କି ଦେଇନ, ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରିଭିଜନ୍, ସିମ୍ପଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରିଭିଜନ୍। ଓକେ, ରିଭିଜନ୍ 2-3 ଟାଇମ୍ସ ଯେତିକି ରିଭିଜନ୍ କରିବା କଥା ପୁରା ପିସ୍ଫୁଲି କରିବ, କି ମୋତେ JEE ବନିବାର ଅଛି କି ATO ବନିବାର ଅଛି, ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ଚାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।